स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो शुरुआत के 10 सादे वाक्य है उसमें अब हम पहुंचे वाक्य नंबर 8। तो अब अंदर देखो, वाक्य नंबर 8 में थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसलिए जरा ध्यान रखना, बी केयरफुल। व्हेन माय टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश आई मेड मिस्टेक, सेड तारा। इसमें बोलनार तारा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जवाब में हम देखें तो तारा सेड दैट, बोलना रिपोर्टिंग वर्ब और संयोजन, बराबर। सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड होगा नहीं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। अब एक एक शब्द हम लेंगे। व्हेन का व्हेन, उसके बाद सवाल में देखो व्हेन का व्हेन, उसके बाद आया माय, आई मी माय हो तो बोलनार मुजफ्फर है, बोलनार है तारा, इसलिए शी हर हर, माय का हर, टीचर का टीचर। उसके बाद देखो वॉज वेयर के बाद टीचिंग, मतलब वॉज वेयर के बाद आईएनजी हो तो उसका होगा हैड बीन, चालू भूतकाल का पूर्ण चालू भूतकाल। तो वॉज टीचिंग का हुआ हैड बीन टीचिंग, इंग्लिश का इंग्लिश, आई का हुआ शी, आई मी माई बोलनार मुजफ्फर है, आई का हुआ शी, मेड यानी वी टू, उसका हुआ हैड मेड, मिस्टेक का मिस्टेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब आई रिपीट अगेन, मैं दूसरी बार आपको समझाने जा रहा हूँ। व्हेन माई टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश आई मेड मिस्टेक, सेट तार, बराबर। तो बोलनार तारा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट, सांभलनार कोई नहीं है और संयोजक रहेगा दैट। व्हेन का व्हेन, आई मी माई का बोलनार मुजब शी और हर, टीचर का टीचर, वॉज टीचिंग का हुआ हैड बीन टीचिंग, क्योंकि वॉज वेयर के बाद अगर आई एन जी वाला रूप हो तो उसका होगा हैड बीन, हैड बीन टीचिंग, इंग्लिश का इंग्लिश। व्हेन तारा सेड दैट, व्हेन हर टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, ऊपर देखो आई मेड मिस्टेक, आई का बोलनार मुजब शी, मेड यानी वी टू, उसका हुआ हैड मेड, मिस्टेक का मिस्टेक। ओके, अब वाक्य नंबर 9। किंग सेड टू एबर्ट, यू विल हैव टू ओबे माय कमांड। ये जो एबर्ट है ना, वो नर जाती है। चलो, बोलनार किंग, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, सांभलनार एबर्ट और संयोजक दैट, बराबर। ये चार चीज जो हमारी मेन चाबी है, उसके हिसाब से चारों चीज आ गई। यू, उसके बाद इन्वाइटेड कोमा में पहला शब्द है यू, तो यू कोना मुजफ्फर है सांभलना, और किंग और एबर्ट दोनों नर जाती है। तो अगर कोई भी हो, यू योर हो, आई मी माई हो, बुलनार हो के सांभलनार हो, ही हिम हिज ही होगा, तो यू का हुआ ही, विल का वुड, शैल विल का वुड, हैव का हैव, टू का टू, ओबे का ओबे, आई मी माई हो तो बुलनार मुजफ्फर है, बोलना नर जाती छे, એટલે હી હિમ હિઝ કમાન્ડ કા કમાન્ડ। ઓકે, મેં ઇસ વાક્ય મેં એક બાત આપકો સમજા દું કે ઇસ વાક્ય મેં વિલ કા વુડ હુઆ ઇસલિયે હેવ કા હેડ નહીં હુઆ, બરાબર। ક્યોંકિ અ ગ્રામેટિકલ એક રૂલ હૈ કે એક હી વાક્ય મેં એક હી શબ્દ કા ભૂતકાલ હોતા હૈ, એક વાક્ય મેં હમ દો શબ્દો કો ઓર શબ્દો શબ્દો કે ભૂતકાલ નહીં કર સકતે, ખાસ કરકે પાસ પાસ નહીં કર સકતે, બરાબર। और दूसरी बात के जो पहला शब्द है उसका ही भूतकाल करना है। आप विल को विल ऐसे ही रखो, हैव का हैड करो, ऐसे चलेगा नहीं। जो पहला शब्द आता है उसका ही आप, उसका आपको भूतकाल करना है, बाजू वाले शब्द का भूतकाल करना नहीं। ओके, अब दसवां वाक्य, बराबर। राज सेड टू रानी, वी शेल बाय दिस कार टुमारो। इस वाक्य में बोलना राज, रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड है, सुनने वाली व्यक्ति रानी है और संयोजक दैट, बराबर। वी का हुआ दे, वी का हुआ दे, शैल विल का वुड होता है, शैल का शुड ऐसा नहीं, शैल विल दोनों का कोई भी हो आपको वुड ही करना है। शैल विल का वुड, बाय का बाय, दिस का दैट, कार का कार, टुमोरो का द नेक्स्ट डे। ओके, इस प्रकार मैंने आपको आज तीनों टेबल का शॉर्ट रिवीजन करवाया, और पहले जो शुरुआत के 10 वाक्य है, 10 सिंपल सेंटेंसेस है, वो मैंने आपको समझाए। अब आगे जाकर नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को प्रश्नार्थ वाक्य, ये वाले प्रश्नार्थ वाक्य है मेरे ख्याल से शायद 11 से 18, बराबर। तो 11 से 18 जो प्रश्नार्थ वाक्य है उसकी डिस्कशन हम करेंगे, बराबर। नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब नेक्स्ट डे हम प्रश्नार्थ वाक्य की चर्चा करेंगे,
बराबर। तो उससे पहले आप बराबर से टेबल 1, 2, 3 मेमोराइज कर लेना, और इसमें जो स्टैंडर्ड 12 का जो पैम्पलेट है बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसा लिखा है कि स्टैंडर्ड 12 का जो पैम्पलेट है बराबर, तो ये स्टैंडर्ड 12 के पैम्पलेट में भी सिंपल सेंटेंसेस मतलब बहुत सारे सादे वाक्य दिए हैं, तो जो आपको आप सभी को मतलब 10वीं का स्टूडेंट हो या 12वीं का स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब सॉल्व करने हैं बराबर। जितना आप ज़्यादा वाक्य सॉल्व करेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी एक बात कि 9th वालों को तो मैंने जो 5 पेपर सेट है उसमें से बहुत सारा टिक लगवा ही दिया है बराबर, तो आई होप दैट, मैं आशा रखता हूँ कि वो लोग उसने अपना हमारा उन लोगों ने उसका काम शुरू कर दिया होगा। मैं कंपलसरी चेक करूँगा, आपको कंपलसरी ये करना ही है। और जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को उसके पास जो रेडी रेकनर ग्रामर है उसमें से आप लोग बेटा जो सादे वाक्य है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रश्नार्थ वाक्य है, वो भी आपको उसमें से सॉल्व करना है। और 11th वाले नेक्स्ट डे में, जब नेक्स्ट टाइम मेरे वीडियो आए, तो खास करके 11th वाले जो 12th में आए वो आप लोग है ना, आपके पास जो एप्लीकेशन का जो डिग्री वाला पैम्पलेट है, डिग्री का चार्ट वाला जो पैम्पलेट है एप्लीकेशन का बराबर, जिसमें बहुत सारी डिग्रीज दी गई है बराबर, तो उसको आप रेडी रखना, उसको आप रेडी रखना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बराबर। ये जो एप्लीकेशन का पूरा डिग्री वाला जो पैम्पलेट है वो आप रहकर रेडी रखना, ओके, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत उसमें मैं आपको वर्क देने वाला हूँ, और आप थोड़ा वर्क में ध्यान देना बेटा। जो फ्री टाइम है तो सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो फ्री टाइम है उसका सदुपयोग करना, और बी सेफ सेफ रहना, और समय का सदुपयोग करके तैयारी में ध्यान देना। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय, वी विल मीट ब्रेक के बाद, ओके।